गुड इवनिंग एवरीवन। सो आप में से बहुत सारे लोग, मुझे पता है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का वेट कर रहे होंगे NIFT का। एंड अभी तक तो आया नहीं है रिजल्ट कि आपको कौन सा सेंटर मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये तो आज जिसके साथ होगा वो डिप्रेशन में जाएंगे। तो बच्चों, ये एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए ही बना रही हूँ कि लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। हमेशा हम जो चाहेंगे ना वो हमको मिलेगा नहीं, और अगर इतनी आसानी से कोई चीज़ मिल ही गई तो फिर उसकी वैल्यू कैसे रहेगी। तो आप ज़रूर वेट कीजिएगा और ज़रूर अपना 2000% दीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि ड्रीम्स जिसके हैं कि आपको IIT जाना है, NID जाना है, NIFT जाना है, सपने मत देखो। सपने टूटते भी हैं और सपने इज अ काइंड ऑफ इल्यूजन ऑल्सो। एम्स बनाओ। अगर आपकी लाइफ में एम है तो उसके पीछे आप फाइट तो जरूर करोगे। कुछ मिले ना मिले, आपको एक जोरदार एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। तो ये जो रिजल्ट आएगा या आ चुका है, बहुत सारे बच्चों का NID में हुआ है, बहुत सारे बच्चों का अच्छा रैंक आया है NIFT में, कुछ बच्चों का IIT में हुआ है, कंग्रेचुलेशंस। बट यही तक की लाइफ नहीं थी और यही तक की अचीवमेंट नहीं थी। आपको एक रास्ता मिला है, उस रास्ते पे आपको चल करके कुछ ऐसा अचीव करना है जिससे आपकी लाइफ अच्छी हो। तो बस मेरा यही कहना है, आप अपने टाइम जोन में चल रहे हो। कुछ बच्चे अभी अचीव कर लेंगे, कुछ बच्चे एक साल के बाद अचीव कर लेंगे। हिम्मत नहीं हारना है आपको। अगर आपने हिम्मत हार ली, अगर सपने देखने छोड़ दिए, तो फिर डेफिनेटली आपको वो कभी नहीं मिलेगा। तो आपको फाइट बैक वाला एटीट्यूड रखना है हमेशा। आज रिजल्ट कुछ भी हो, आज काउंसलिंग में जो भी हो रहा हो, किसी को कोई सेंटर मिला हो, किसी को एक साल ड्रॉप लेना पड़ा हो, हमेशा ये सोच के चलो कि आगे आने वाले टाइम में आप अपनी तैयारी कैसी रखने वाले हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि ये छोटी सी 2-3 मिनट की बात मेरी आपको समझ में आई हो। तो बच्चों, एग्जाम के लिए पढ़ने से बेहतर है कि एग्जाम के पैटर्न को पढ़ लो पहले। अगर एग्जाम का पैटर्न आपको पता चल गया, आप एग्जाम जरूर क्रैक करोगे।